Subscribe to Trickster Vivek and also press the bell icon for future video updates. Subscribe to Trickster Vivek and also press the bell icon for future video updates.
सो गाइस, आपने देखा ही होगा कितनी अच्छी ब्लिंकिंग कर रही है वो लाइट। वो मैं ब्लिंकिंग उसकी कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा ये अड्रीनो है, माइक्रो कंट्रोलर। आप माइक्रो कंट्रोलर से अड्रीनो कार बना सकते हैं, एक्सेलेरोमीटर कार बना सकते हैं, हाथ के मोशंस में आप ड्रोन बना सकते हैं। इंडियन लाइफ हैकर ने ड्रोन बनाया था, काफ़ी अच्छी आप अड्रीनो कर सकते हैं। पर सभी आपको अपना एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम का लिंक दे देंगे, पर उस लिंक से क्या आपको फायदा होगा? नहीं, आप सीख नहीं पाएंगे वो प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग की फर्स्ट ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। आज सीखेंगे प्रोग्रामिंग में कैसे करके ये अड्रीनो से ब्लिंकिंग लाइट देख सकते हैं, ये ब्लिंकिंग लाइट बना सकते हैं। इसमें आप इसकी टाइमिंग कंट्रोल कर पाएंगे। ये 0.11 सेकेंड्स पे चल रही है ब्लिंकिंग, इतनी फास्टिंग हो रही है। हम देखेंगे पहले 2 सेकंड ब्लिंक करके, 1 सेकंड ब्लिंक करके कैसे करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइव टेस्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में भी था और एंड में भी है। तो ज्यादा ना बात करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ठोक दो भाई। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो चलते हैं, हम अड्रीनो ऐप को ओपन करते हैं पहले, फिर हम आज सीखेंगे क्या क्या कोडिंग हमें ज़रूरी है पहली बार अड्रीनो के साथ स्टार्ट करने में। मैं एक काफ़ी अच्छा अड्रीनो ऐप चला रहा हूँ बहुत दिनों से और काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आपको और कहूँ इसकी प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से नहीं मिलेगी जितना आपको डिटेल्स में मैं समझा सकता हूँ। ये जस्ट एक बार कहता हूँ, यह है सैम्पल प्रोग्राम जो मैंने क्रिएट किया था। आज इसी को बनाना सीखेंगे पर कुछ अलग तरीके से। तो चलिए पहले हम नया अगर पेज खोलते हैं तो कुछ ऐसा दिखाता है। तो सबसे पहले हम आज जो एलईडी वाली ट्राई करेंगे कि एलईडी की टाइम पर हम कैसे ब्लिंक ऑफ करवा सकते हैं, ब्लिंक ऑन करवा सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग सैम्पल में हम बनाएंगे। तो हम कौन से पिन में इसको यूज़ करेंगे? तो उस पिन को हम छोड़िए, रखते हैं इंट एलईडी एक स्पेस देकर 13 पिन को यूज़ करेंगे। 13 पिन को लगा दिया है। उसके बाद हम वाइट सेटअप गया है, वाइट सेटअप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो सेटअप करना है, देखिए पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस। तो यहाँ पर सेटअप करेंगे हम, इसे पिन मोड पे डाल रहे हैं। तो पिन मोड एलईडी को, जो एलईडी अपना 13 नंबर है, एलईडी को आउटपुट हिसाब में डिफाइन करना होगा हमें। तो आउट सब कैपिटल लेटर में। मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके रखा है, फिर भी मैं ज़रा सा एक और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, आपको क्लियरली दिखे। उसके बाद हम जाएंगे वाइड लूप में और यहाँ पर लिखा है पुट योर मेन कोड हियर टू रन रिपीटेडली। तो मेन कोड डालते हैं। मेन कोड हमारा होगा डिजिटल राइट। डिजिटल राइट जो है हमारा डिफाइन करने वाला सिस्टम है, तो डिफाइन कर देते हैं डिजिटल राइट। डिजिटल राइट में हम डिफाइन करेंगे क्या? डिजिटल राइट में हमारा जाएगा जो एलईडी है उसको हम जब हाई वोल्टेज मिलेगा तब उसको कर देंगे ग्लो। तो ग्लो का लिखेंगे कैपिटल लेटर में हाई, हो गया। इन्वर्टेड कॉमास दे दीजिए, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमास दे दीजिए। उसके बाद हम इसे टाइम पर डिले करना चाहते हैं, तो ये देखिए डिले कितना सेकंड के लिए, तो सोचिए हम 1 सेकंड के लिए डिले करते हैं और 2 सेकंड के लिए ऑफ करेंगे। तो सेम कोड जल्दी मारिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड को कहते हैं 1000 और 2 सेकंड को कहते हैं 2000। 2000 हो गया और अब देखते हैं हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? डिजिटल राइट को यूज़ करते हैं किस लिए? प्रोग्रामिंग को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, यहाँ TAL होगा और काफ़ी इन्वर्टेड कॉमास दे दिए हैं। अपने अगर प्रोग्रामिंग को कंपाइल करके पहले टेस्ट कर लें। ये 100% वर्क कर रहा है।
ये देखिए यहाँ 13 पिन से गया और इधर एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड से ये कनेक्टेड है और दिस इज द वर्क डन। अब देखिए एक सेकेंड, दो सेकेंड, एक सेकेंड के लिए ग्लो और दो सेकेंड के लिए ऑफ। कंप्यूटर स्क्रीन में आइए, कंप्यूटर स्क्रीन में है साथ में, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मैंने हमने है एक सेकेंड के लिए। चलिए कुछ ब्लिंकिंग इफेक्ट लाते हैं मार्केट में। ये देखिए 100 और ये भी डालते हैं 100। नाउ गो गो अपलोड प्लीज, फास्ट प्लीज अपलोडिंग। और ये देखिए चेंजेस हो चुके हैं और देखिए फिर वन सेकेंड। ये है जादू इसका, तो देख सकते हैं काफी मजेदार है ये, एक सेकंड में 10 बार ब्लिंक कर रहा है। एलईडी इंट कोई नंबर को डिफाइन, डिजिटल पिन को डिफाइन करने के लिए इंट यूज करेंगे, पिन मोड को यूज करेंगे उसमें क्या काम करना चाहते हैं, डिजिटल लाइट को यूज करेंगे इसमें आउटपुट लेने के लिए, डिले यूज करेंगे अगर टाइम देना चाहते हैं। बस कुछ ऐसी कोडिंग सबको चलानी पड़ेगी। वॉइड लूप का मतलब है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, सेटअप का मतलब है आप किस काम के लिए यूज करना चाहते हैं। तो आज यहीं तक जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कैसे करके एक ब्लूटूथ कार के बारे में हम अच्छा सा अर्डिनो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अगर आप ये वीडियो सीख लेते हैं वो वीडियो पक्का ही देखेंगे,